हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग फाइन। तो आई एम बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग। तो गाइज, इसका हम एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। तो आज के इस टॉपिक में हम जो हैं एजेस के अलावा भी बाकी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। वो प्रॉब्लम्स होंगी आपकी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन टाइप की प्रॉब्लम, जो आपकी डेली जनरल रूटीन प्रॉब्लम, जैसे एग्जाम्पल्स मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इन्हीं तरह की एग्जाम्पल्स या इससे भी और अलग तरह की एग्जाम्पल जो है आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू इट। एंड ये जब रीजनिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी तो आई एम प्लानिंग फॉर द रीजनिंग ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक है? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, एंड रीजनिंग मेट्रिक्स एंड टिप्स अगर आपको मिल जाएँ तो आपकी स्पीड जो है वो डबल ट्रिपल स्पीड से बढ़ जाएगी, ठीक है? तो इसका ये लेक्चर सेकेंड पार्ट है, एंड इसका एक और थर्ड पार्ट आएगा जिसके बाद हमारा जो है ये कंप्लीट रीजनिंग ऑफ VLW पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस कवर अप हो चुका है, ठीक है? तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो हम बैंकिंग की रीजनिंग को भी स्टार्ट करेंगे विद टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर हेल्प, ओके? तो आज के इस प्रॉब्लम्स को, इन प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी हमारे ये लेक्चर्स को ज़रूर करें, ठीक है? तो कमिंग टूवर्ड्स द प्रॉब्लम विच आई हैड ऑलरेडी गिवन टू यू इन द लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से थी। अ फादर टेल्स हिज सन, फादर जो है अपने सन को बोलते हैं कि आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज वेन यू वर बॉर्न, मैं आपकी आज करंट जो एज है उतने साल का हूँ जब तुम जो थे पैदा हुए थे, मैं उतने साल का था जब तुम पैदा हुए थे। सो इफ द फादर इज 36 ईयर्स नाउ, हाउ ओल्ड वॉज द बॉय 5 ईयर्स बैक? तो अगर आज फादर की एज 36 ईयर है, ठीक है, आज अगर फादर की एज 36 ईयर्स है तो 5 साल के पीछे अगर हम आज से प्रेजेंट एज से पीछे अगर 5 साल जाएं तो उस समय बॉय की एज कितनी होगी, ये हमें आंसर बताना था, ठीक है? तो लेट्स से द एज ऑफ फादर बी एक्स, ठीक है? फादर की एज अगर एक्स है और लेट्स से द सन्स एज भी वाई, ठीक है? जो फादर की आज एज है उतनी ही एज फादर की उस समय थी जब बॉय जो था वो पैदा हुआ था, ठीक है? तो इट मीन्स आज की एज और बॉय की एज में को अगर हम डबल टाइम कर दें, आज की फादर की एज को हम अगर डबल टाइम कर दें, सॉरी, आज के बॉय की एज को अगर हम डबल टाइम कर दें तो हमें फादर की एज मिल जाएगी, राइट? तो 2y कर देंगे, राइट? तो सिंस फादर की एज जो है ऑलरेडी गिवन है 36 है, दैट मीन्स 36 एक्स को हम 36 से रिप्लेस कर सकते हैं। 36 इज इक्वल टू 2x y। y किसकी एज है? y इज द एज ऑफ द सन, ठीक है? तो यहाँ से हमें y मिल जाएगा, तो y कितनी वैल्यू आ जाएगी? तो y इज इक्वल टू 18, ठीक है? अब y जो है सन की एज, ये है प्रेजेंट एज, बट हमें कब की पूछी है? एज 5 ईयर्स बैक, ठीक है? तो 18 में से अगर हम 5 माइनस कर लेंगे तो हमें 5 ईयर्स बैक उसकी एज मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 13। तो हैंस इसका आंसर जो था ए ऑप्शन था, 13 ईयर्स ओल्ड, ओके? तो ये था हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपसे पूछा था, ओके? तो स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, अ पाइनएप्पल कॉस्ट ₹7 ईच। पाइनएप्पल्स हैं कुछ हमारे पास, उनकी कॉस्ट क्या है? 7 ईच है। वाटरमेलन कॉस्ट ₹5 ईच। एक्स स्पेंड्स ₹38 ऑन दीज फ्रूट्स। द नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स परचेज्ड इज, आपको बताना है कि नंबर ऑफ पाइनएप्पल जो है वो कितने परचेज किए गए, ठीक है? लेट सपोज एक्स जो है, हम पाइनएप्पल की कॉस्ट कर लेते हैं एज्यूम, ठीक है? तो 7x हो जाएगी, 7 पाइनएप्पल लिए थे, सॉरी, 7 रुपीज़ कॉस्ट है एक पाइनएप्पल की, पाइनएप्पल कॉस्ट ₹7 ईच, ठीक है? और अ वाटरमेलन कॉस्ट ₹5 ईच, ठीक है? प्लस 5y जो हम वाटरमेलन के लिए कर लेते हैं, एंड एक्स स्पेंड्स ₹38 ऑन दीज फ्रूट्स। इन दोनों की फ्रूट्स की कॉस्ट, 7x कॉस्ट और 5y कॉस्ट टोटल मिला करके वो कितने रुपीज़ स्पेंड करता है? तो 38 रुपीज़ स्पेंड करे उसने, ठीक है? तो यहाँ से हमें जो है हमारे अननोन वेरिएबल्स जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो
इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5y इज इक्वल टू 38 माइनस 7x, ठीक है। अब y क्या हो जाएगा, 38 माइनस 7x अपॉन 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स है, एक x एक y, तो अब भी हमारा कोई प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ पाइन एप्पल्स परचेज। तो नंबर ऑफ पाइन एप्पल्स हमने क्या अज्यूम किए थे, पाइन एप्पल परचेज जो हमने अज्यूम किए थे वो किए थे x, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे x की कौन सी ऐसी वैल्यू डालें कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। एक राउंड फिगर आ जाए, सेटिस्फाई होने का मतलब एक राउंड फिगर जो है वो आ जाए, क्योंकि हाफ तो हम खरीदेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, एक फुल एप्पल या एक फुल वाटरमेलन ही खरीदेंगे। तो ये एक राउंड फिगर बनाने के लिए हमें इसको जो है सॉल्व करना होगा, तो वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 38 है, ठीक है, न्यूमरेटर में, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 है। अब हमें पता है कि 5 से ऐसे सारे नंबर जो या तो 0 हो जिनके वंस प्लेस पे, या फिर 5 हो जिनके वन प्लेस से, वही डिविजिबल होते हैं। तो हमें कोशिश क्या करनी है, इस 38 को ब्रेक करने की कोशिश करनी है, ठीक है। 38 का ये 8 अगर यहाँ से हट जाए तो हमें जो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 38 का 8 कब हटेगा, जब यहाँ पे 7 का कोई ऐसा फैक्टर हम लेंगे, 7 का ऐसा कोई मल्टीपल लेंगे जो कि 8 को हटाएगा, ठीक है। तो 7 फोर्स अगर हम देखें, ठीक है, 7 फोर्स क्या होता है, 28, ठीक है। तो 38 माइनस 28 कितना हो गया, इस 10, ठीक है। तो 5 2 10, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ पे, ओके। बट हमें किसकी वैल्यू पूछी गई थी, x की, वाटरमेलन की, सॉरी पाइन एप्पल्स की कॉस्ट यहाँ पे पूछी गई थी। तो x हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब हमारे पास x की वैल्यू 4 होगी, उसी समय ही जो है ये 38 जो है ये हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा, और 5 से डिविजिबल होने का मतलब हमारे पास एक राउंड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 4। सपोज हम 2 ट्राई करते हैं, ठीक है, 7 2 14, ठीक है। 14 जब आएगा, 38 माइनस 14 जब हम करेंगे तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सपोज हम 3 करते हैं, ठीक है, 7 3 21, 21 हम 38 से माइनस करेंगे, अगेन 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें एक राउंड नंबर चाहिए था, एक होल नंबर वैल्यू चाहिए थी, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे 4 जो है जब हमने किया, हमें 28 मिला, 28 को हमने 38 से सब्सट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10, और जो कि 5 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम होता है सॉल्व। तो आई होप दिस इज वेरी सिंपल एंड ईजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल काउंटेड इन द फॉलोइंग वे ऑन द फिंगर्स ऑफ हर लेफ्ट हैंड, ठीक है। एक गर्ल है, उसका एक हैंड, हम हैंड जैसा यहाँ पे कुछ बना लेते हैं शेप, बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा बट काइंडली कोऑपरेट, दिस इज अ हैंड, ओके, 5 फिंगर्स ऑफ द हैंड। द गर्ल काउंटेड इन द फॉलोइंग वेज ऑन द फिंगर ऑफ हर लेफ्ट हैंड, शी स्टार्टेड बाय कॉलिंग द थंब एज वन। Let's say this is thumb as 1, then index finger 2, middle finger as 3, ring finger as 4, and little finger as 5. And then she reverses the direction. वो यहाँ से इस direction में आई, अब उसने reverse किया direction को, ठीक है, reverse किया मतलब 5 से अब वापस 1 की तरफ जाना है, calling the ring finger as 1. 5 यहाँ पे था, ring finger को उसने क्या बोला, 6, देन मिडल फिंगर को 7, देन 8 एंड देन 9, ठीक है, एंड सो ऑन। और इसी तरह से उसने जो है पूरा इस हैंड की फिंगर्स को काउंट किया, और कितनी बार काउंट किया, शी काउंटेड अप टू 1994, ओके। शी एंडेड काउंटिंग ऑन विच फिंगर, अब आपको बताना है कि वो कौन सी फिंगर पे काउंटिंग जो थी उसने स्टॉप की, ओके। तो जब ये इस तरह से काउंटिंग कर रही है, ठीक है, गर्ल वॉज काउंटिंग, तो आपके पास एक अरेंजमेंट बन रहा है, ठीक है। मैं फिर से इसको ड्रॉ कर रही हूँ, इस टाइम थोड़ा बेटर हैंड लग रहा है, ओके। तो 1 2 3 4 5, ओके, यहाँ पे आ गया, रिवर्स जब काउंट किया तो 6,
सॉरी गाइस, 6 5 के साथ नहीं आएगा, उसको रिंग फिंगर को उसने उसको स्किप किया, देन 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो अब आपको 1 पे आपको 1 मिल रहा है, थंब पे आपको 1 9, और अगर हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं 10 11 12 एंड 13, देन वापस चलेंगे 14 15 16 17। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आ जाता है इन सीक्वेंस, दैट इज 17। ओके, तो इसी तरह से अगला नंबर क्या आ जाएगा, 25। तो अगर हम इसी तरह से पूरा जो है सीक्वेंस बनाएंगे 1994 तक, तो हमें काउंटिंग नहीं करना, हमें जनरल रूल यहाँ से देखना है। तो 1 9 में से 1 माइनस करें तो कितना बचता है, 8। ठीक है, 9 में प्लस 8 करेंगे तो कितना बनता है, तो 17। तो मींस हर नंबर में 8 8 जो है वो प्लस हो रहा है। ओके, तो 8 जो है वो हर बारी काउंट कर रही है ऑन थंब। ठीक है, तो हम इसको लेकर के चलेंगे, तो 1009 यहाँ पे जो है हर बारी जो है ये 8 फिंगर्स काउंट कर रहा है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर बारी जो टोटल साइकिल है उसमें कितनी है, 8 फिंगर्स काउंट हो रही हैं, और फिर से जो है काउंटिंग दोबारा थंब से रीस्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो एवरी टाइम कितनी फिंगर्स काउंट हो रही हैं, 8 काउंट हो रही हैं, और उसने काउंटिंग कहाँ तक की, 1994। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1994 को हम अगर 8 से डिवाइड कर लें, ठीक है, क्योंकि हर बारी 8 जो है फिंगर्स काउंट हो रही हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 249 प्लस 2। ठीक है, मीन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 जो है हमारे पास यहाँ पे बच जाएंगे फिंगर्स। तो क्योंकि हमारी जो है 249 जो काउंटिंग होगी, जो 1994 तक पहुँच के लिए 249 जो होगी वो वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे फिनिश होगी। ठीक है, 249 वैल्यू यहाँ पे फिनिश होगी, तो 194 में से यहाँ तक वो कहाँ पहुँचा होगा, 192 तक, क्योंकि प्लस 2 यहाँ पे है, तो 192 अगर यहाँ पे हो रहा है, 1992 अगर यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे 1993 हो जाएगा थंब पे, राइट। और वापस से काउंटिंग शुरू करनी है, तो इट मींस इंडेक्स फिंगर 1994 हमारा कहाँ पे आएगा, इंडेक्स फिंगर पे। ओके, तो हेंस यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडेक्स फिंगर इज द आंसर इन दिस केस। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ मैन हैज 480 रुपीज इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी नोट्स, 5 रुपी नोट्स एंड 10 रुपी नोट्स। ठीक है, एक पर्सन है, उसके पास टोटल डिनोमिनेशन कितनी है, 480 रुपीज। 480 रुपीज़ टोटल मनी है उसके पास, और 480 रुपीज़ किस में डिवाइडेड है, 1 रुपी नोट्स में, 5 रुपी नोट्स में और 10 रुपी नोट्स में। उसके बाद पढ़ लेते हैं, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल, और ये भी कहा गया कि हर एक डिनोमिनेशन के नंबर ऑफ नोट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो लेट सपोज हर एक डिनोमिनेशन के कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं, तो एक्स नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, अगर 1 रुपी के एक्स नंबर ऑफ नोट्स होंगे तो एक्स हो जाएगा, प्लस अगर 5 रुपी के एक्स नोट्स हैं तो 5x हो जाएंगे नोट्स, और 10 रुपीज़ के अगर x नोट्स हैं तो कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा। ये टोटल सम किसके बराबर हो जाएगा, 480 रुपीज़। अब यहाँ से हमारे x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो x जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x प्लस 5x प्लस x इज इक्वल टू 16x, 16x इज इक्वल टू 480 एंड x इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय 16, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x की, x विल बी इक्वल टू 3030। ओके, अब 30 आ गई वैल्यू x की, मींस कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं उसके पास, x नंबर ऑफ नोट्स हैं। ठीक, तो x नंबर ऑफ नोट्स पर किसके हैं,
एक डिनोमिनेशन के, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन था कि द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल. तो हमने जो एक्स एज्यूम किया था कि एक्स जो है, एक्स नंबर ऑफ डिनोमिनेशन उसके पास हर एक नोट की हैं. ओके तो अब ये आई सिर्फ एक नोट की वैल्यू, और हमारे पास कितने तरह के नोट्स थे? थ्री तरह के नोट्स थे, 1 रुपी नोट्स, 5 रुपी नोट्स एंड 10 रुपी नोट्स. तो हमारा जो एक्चुअल आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3x, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 3, विच इज़ इक्वल टू 90. ओके हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x, क्योंकि हमारे पास तीन तरह की डिनोमिनेशंस थी यहाँ पे. तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 90 इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस केस. यहाँ पे गलती के चांसेस कहाँ पे होंगे कि हम 30 लेंगे जो हमें ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा और हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे. तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, यहाँ पे देखना है कि हर एक नोट की जो इक्वल डिनोमिनेशन थी, सॉरी, हर एक डिनोमिनेशन के इक्वल नंबर ऑफ नोट्स थे, इसलिए हमने उनको एक्स एज्यूम किया था, बट तीन तरह के नोट्स थे इसको हमने एंड में 3x कर दिया. ओके सो मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. अ टोटल ऑफ 324 कॉइन्स ऑफ 20 पैसा एंड 25 पैसा मेक अ सम ऑफ ₹71. द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज, ठीक है, तो अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन जो हैं वो कितने होंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, लेट नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स भी एक्स. ठीक है, लेट नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, एक्स हो जाएंगे. अगर 20 पैसा के कॉइन्स एक्स हैं तो 25 पैसा के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 71, सॉरी 324 कॉइन्स ऑफ 20 पैसा एंड 25 पैसा. तो यहाँ पे 25 पैसे के कितने कॉइन्स हो जाएंगे, तो 324 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो इतने हैं ना उसके पास. ओके और उसके बाद द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन कितने हैं वो बताना है, और जबकि 20 पैसा कॉइन्स और 25 पैसा कॉइन्स का सम कितना बताया गया आपको, 71. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इंटू 20 पैसा कॉइन्स 0.20 अगर हम रुपीज़ में लिखें तो. ठीक है, प्लस 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 324 माइनस एक्स. ठीक है, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 324 माइनस एक्स, ये दोनों का सम किसके बराबर दिया गया, दैट इज 71 रुपीज़. 0.20 और 0.25 क्यों लिखा, क्योंकि हमने पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट किया है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो एक्स विल बी इक्वल टू 200. तो 200 अगर एक्स है, एक्स क्या सपोज किया था हमने, 20 पैसा कॉइन्स की कितने थे, 20 पैसा कॉइन कितने थे, एक्स थे. तो हमें किसके पूछे गए, 25 पैसा कॉइन्स के लिए पूछा है. तो 25 पैसा कॉइन्स क्या, 324 माइनस एक्स, यानी 324 माइनस 200 एंड 200, तो कितनी हो जाएगी ये, 124. ठीक है, 324 माइनस 200 विल बी इक्वल टू 124. ओके सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 124. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके इसका आंसर मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, खाली मैं आंसर ऑप्शन आपको बता देती हूँ. इसका आंसर ऑप्शन है डी. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ अ टेलीफोन. जितने भी डायल, टेलीफोन का डायल आपने देखा होगा, उस पर जितने भी नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा. इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है. इसका आंसर इनमें से कोई सा भी नंबर नहीं है, नन ऑफ दीज इज द आंसर. आपको इसका आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 सेज द 30 मेंबर्स ऑफ अ क्लब डिसाइड टू प्ले अ बैडमिंटन टू सिंगल्स टूर्नामेंट. एवरी टाइम अ मेंबर लूजेज अ गेम ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट. ठीक है, 30 मेंबर्स हैं इन टोटल, क्या खेलने वाले हैं, ये बैडमिंटन और सिंगल्स खेलने वाले हैं, और हर बारी जो है अगर कोई मेंबर लूज करता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है. देर आर नो टाइज, और उनकी कभी कोई टाई भी नहीं होती. ठीक है, मीन्स वो मैच ड्रॉ भी नहीं होता. व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस दैट मस्ट बी प्लेड टू डिटरमिन द विनर, और कितने मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस जो हैं इनको खेलने पड़ेंगे. तो क्योंकि एक मैच होगा बैडमिंटन का है, सिंगल्स है, मीन्स दो प्लेयर एट अ टाइम खेलेंगे. ठीक है, दो प्लेयर एट अ टाइम खेलेंगे तो मीन्स अगर
गेम में सपोज ये जीता तो ये विनर हो जाएगा और दूसरा आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी टाई नहीं हुआ है, कोई भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ है, कोई भी रीमैच नहीं हुआ है बिटवीन टू पर्सन, इसका मतलब ये है। तो हेंस हमारे पास जो है मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस प्लेड कितने हो जाएंगे, तो 30-1, क्योंकि लास्ट में जो विनर बचेगा उसको दोबारा से किसी के साथ प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ही और शी इज़ द फाइनल विनर। तो हेंस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 29 मैचेस विल बी प्लेड इन बिटवीन दीज मेंबर्स टू डिटर्मिन द विनर। ओके, इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मैनी टाइम्स डू यू राइट 3, ठीक है। 1 से लेके अगर आप 100 तक नंबर्स लिखें तो आपका 3 नंबर जो है वो कितनी बार आएगा, तो वी ऑल नो 3 आएगा, फिर 23 आएगा, उसके बाद 33 आएगा। तो इस तरह से टोटल नंबर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, हमारे पास टोटल नंबर्स आ जाएंगे फ्रेंड्स 10, और ये एक 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पे 33 का, +1 दैट इज इक्वल टू 11। ओके ठीक है, 10 टाइम्स ये 3 आएगा, 3 23, 33, 43, इस तरह से। ओके उसके बाद 3 और कहाँ का आएगा हमारा, 31 से लेकर के 39 तक भी 3 आएगा, तो ये कितनी बार आएगा, यहाँ पे हमारे पास कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स आएगा। मैंने ये 3 ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर लिया, आप यहाँ चाहें तो ना भी काउंट करें, आप जो है यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो, ये 3 कितनी बार आएगा, तो 9 टाइम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एक 3 और आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 30, तो दैट इज़ इक्वल टू हाउ मैनी टाइम्स, 11 +9 +1 दैट इज़ इक्वल टू हाउ मैनी टाइम्स, 9 और 10, 10 20, जस्ट अ सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया गाइज यहाँ पे। गड़बड़ ये की है कि मैंने जो है 9 टाइम्स उसको काउंट किया, जबकि हमें उसको 8 टाइम्स काउंट करना था, ठीक है। तो इन टोटल कितना आ जाएगा, 3 से लेके 93 तक जो भी 3s आ रहे हैं दैट इज इक्वल टू 10 वंस मोर। ओके, 30 से लेके 39 तक भी हमारे पास कितने आ रहे हैं, 10, तो मीन्स इन टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 23s आ जाएंगे व्हेन वी काउंट फ्रॉम 1 से लेके 100 तक, ठीक है। सो दिस इज इजियर मेथड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। एक क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, लेट्स से इट इज एक्स, ठीक है, वो किसके बराबर है, इज 3 टाइम। ओके, सो यहाँ पे आता है द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, लेट्स से नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो पहले हम सपोज करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्स, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, 4x, ठीक है। ये टोटल मिलके क्या बनाता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इन में से हमें बताना है, इन सब में से हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यू है जो चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो 4x प्लस दिस इज नॉट 4 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स लिखा हुआ है, सॉरी फॉर मिस्टेक। सो 3x लिखा है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो 3x इज इक्वल टू 4x यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कौन से नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं है क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा, तो दैट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 4। ऐसा नंबर जो 4 का मल्टीपल नहीं होगा, तो 48 4 का मल्टीपल है, 44 भी है, 40 भी है, बट 42 नहीं है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नाउ मूविंग फर्दर, फाइंड द नंबर विच वेन एडेड टू इट्सेल्फ 13 टाइम्स गिव्स 112, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 13 टाइम्स उसके अंदर ऐड करें तो नंबर 112 मिल जाएगा। तो 13 टाइम्स किसी नंबर में ऐड करना मीन्स 14 टाइम्स उसको ऐड करना पड़ेगा, तो 14 से अगर हम 112 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 8, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। तो ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल होते हैं, जस्ट द पॉइंट इज़ आपका थोड़ा सा लॉजिक जो है वो
स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के साथ आप इन प्रॉब्लम्स को आराम से कर सकते हैं. तो सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्कोरिंग अगर आपने इन तरह की प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विद वन एंड यूजेस 3189 डिजिट्स इन ऑल. ठीक है, एक प्रिंटर है, एक पेज को प्रिंट करने में वन से लेके 3189 डिजिट्स जो है वो टोटल जो है यूज़ करता है. तो हाउ मेनी पेजेस डज द बुक हैव, तो उस बुक में कितने पेजेस हैं टोटल हमें वो बताना है. ठीक है, तो अब 3189 डिजिट्स, ये एक 4 डिजिट नंबर है. ठीक है, तो 4 डिजिट नंबर तक पहुंचने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितने डिजिट्स नंबर जो है इसने प्रिंट किए, और 3189 डिजिट्स इन ऑल उसने प्रिंट किए थे. ठीक है, तो 1 डिजिट नंबर कितने प्रिंट किए होंगे उसने, क्योंकि नंबरिंग जो है स्टार्ट किससे हो रही है, 1 से, और 3189 डिजिट्स तक जा रही है. ठीक है, तो 1 से लेकर के 9 तक हमारे पास टोटल कितने हैं, 9 डिजिट्स हैं. ठीक है, उसके बाद 2 डिजिट्स नंबर कितने हो गए हमारे पास, तो 2 × 90. ठीक है, 90 होंगे, 10 से लेकर के 99 तक हमारे पास जो है वो 2 डिजिट नंबर होंगे. तो 92 से 180 जो होंगे वो 2 डिजिट नंबर्स प्रिंट हुए होंगे. ओके, 3 डिजिट्स नंबर की बात करें तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 3 डिजिट नंबर जो होंगे वो 100 से लेके 9999 तक होते हैं. तो मीन्स 900 नंबर्स होंगे आपके पास, राइट. तो कितना हो जाएगा, 2700 हो गया. ठीक, अब अगर आप 4 डिजिट नंबर करें, 4 डिजिट नंबर तो 9999 जो है वो हो जाएगा, बट डिजिट्स उसने 3189 किए. ठीक है, तो टोटल इन टोटल कितने डिजिट्स हो गए ये वाले, उसमें से अगर इस टोटल में से अगर हम ये डिजिट्स माइनस कर लें तो हमें पता चल जाएगा 4 डिजिट नंबर कितने प्रिंट हुए. तो वहाँ से हम नंबर ऑफ पेजेस निकाल के आपको बुक के पेज नंबर्स बता देते हैं. सो लेट्स सी हाउ. तो टोटल जो है 4 डिजिट नंबर कितने प्रिंट हुए हैं, तो 3189 -27, नॉट 2700, जस्ट 1 डिजिट नंबर्स, तो अगर हम 9 + 180 + 2700 करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है दैट इज इक्वल टू 2889, 2889. और जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 300. ठीक है, तो 300 जो है वो 4 डिजिट्स जो है वो प्रिंट हुए हैं. ठीक है, अब 300 4 डिजिट नंबर्स हैं, तो मतलब डिवाइड बाय 4 हम करेंगे तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ 4 डिजिट पेज नंबर्स प्रिंट हुए हैं. ठीक, तो 300 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 75. ओके, तो 75 पेजेस ऐसे हैं जिनमें क्या है 4 डिजिट नंबर जो है वो प्रिंट हुए हैं. ठीक है, ये 300 क्या थे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो थे वो यूज़ हुए थे टू प्रिंट 4 डिजिट नंबर्स, और 4 डिजिट नंबर में 4 डिजिट हैं तो इसलिए हमने उसको 4 से डिवाइड किया, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड मिल गए दैट इज 75. तो क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा कि 3 डिजिट नंबर लास्ट नंबर कौन सा होता है, तो 999. अब इसमें अगर हम 75 पेजेस और ऐड कर दें तो हमें एक्चुअल में मिल जाएगा कि कितने डिजिट जो है वो पेज नंबर्स प्रिंट आउट हुए थे. सो दैट इज 1075, 1075 जो है पेजेस जो थे इन टोटल प्रिंट हुए हैं यहाँ पे, व्हेन द बुक स्टार्टेड विद 1 डिजिट नंबर टू 3189 डिजिट्स इन टोटल उसने प्रिंट किए. ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जा सकती है. सो आई हैव ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन हेयर. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल एंड ईजी है. एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस द 10 पीपल प्रेजेंट एट ऑल शेक हैंड्स विद ईच अदर वंस. ठीक है, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे 10 लोग प्रेजेंट हैं और आपस में वो जो है हैंडशेक करते हैं, और हैंडशेक किस तरह से करते हैं, दैट हाउ मैनी हैंड शेक्स विल बी देयर बी टुगेदर. ठीक है, और ये लोग जो हैं
आपस में हैंडशेक कैसे करते हैं? वंस, सिर्फ एक बार ही करते हैं। दोबारा जो है एक पर्सन दूसरे के साथ हैंडशेक नहीं करता है। तो आपको बताना है कि टोटल हैंडशेक्स जो है यहाँ पे इन टोटल कितने हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लोग थे। यहाँ पे हम परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 10 लोग जो हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, कितने वेज में हैंड शेक करेंगे? टू वेज में। 10 लोग जो है आपस में टू वेज में ही हैंडशेक कर सकते हैं। ठीक है, 10C टू वेज। ओके, तो NCR हमें फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या है? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r, दैट इज 10 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, एंड r इज 2, सो 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10, 9, 8 फैक्टोरियल तक हम करेंगे। ठीक है, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल से गया, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 5 ज़ा 45 इज़ द आंसर हियर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट फॉर दिस केस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स। ठीक है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज सम इज 11। ओके, उन दोनों डिजिट्स का सम क्या है? 11 है। ओके, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट्स चेंज देयर प्लेसेस, व्हाट इज द नंबर? टू डिजिट नंबर का प्रॉब्लम है आपके पास। टेंथ डिजिट क्या है? लेट्स से टेंथ डिजिट इज एक्स, एंड यूनिट्स डिजिट जो है वो कितना हो जाएगा? क्योंकि 11 सम दिया है तो 11 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट? तो इनका दोनों का सम दिया हुआ आपको, एक्स प्लस 11 माइनस एक्स, कितना सम दिया गया इसका? 27। जस्ट अ सेकेंड, इनका सम 27 नहीं दिया गया है। क्या क्वेश्चन था? कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट हुज सम इज 11, एंड इफ 27 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। और अगर हम 27 ऐड करते हैं नंबर्स में तो डिजिट क्या करेंगे? अपनी प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे। ओके, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 माइनस एक्स हो गया है, तो दैट इज नंबर क्या बन जाएगा? नंबर क्या बन जाएगा? नंबर विल बी इक्वल टू 10x। 10x क्यों लिया? क्योंकि ये टेंथ प्लेस पे था, और 11 माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 9x प्लस 11 हो गया। ठीक है, 9x प्लस 11 ये हमारा हो गया नंबर। अब जब हम इस नंबर में क्या ऐड करेंगे? 27 ऐड करेंगे। ठीक है, 27 अगर हम ऐड करेंगे 9x प्लस 11 प्लस 27 अगर हम इसमें करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा? इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो डिजिट्स क्या करेंगे इसमें? इंटरचेंज कर लेंगे। डिजिट इंटरचेंज करने का मतलब 11 की जगह हमारे पास क्या बन जाएगा? डिजिट्स जो है, जो टेंस डिजिट्स था वो वंस बन जाएगा, और जो वंस डिजिट्स था वो टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट्स डिजिट कौन सा था? 11 माइनस एक्स था, तो अब ये कहाँ चला जाएगा? टेंस प्लेस पे। 10 11 माइनस एक्स, ठीक है, और जो यूनिट्स डिजिट था वो कौन सा बन जाएगा? वो टेंथ प्लेस पे जो था ऑलरेडी वो बन जाएगा। ठीक, तो प्लस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 110 माइनस 10x प्लस एक्स। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 110 माइनस 9x, यहाँ पे कितना है? 9x प्लस 11 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 11 प्लस 27 इज 38। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन टोटल हमारे पास 18x हो जाएगा, विल बी इक्वल टू कितना? 72। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो x हमें कितना मिला यहाँ से? x विल बी इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 18, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया था? हमें नंबर बताना है कि नंबर क्या बना। तो नंबर जो है, x की वैल्यू हमें मिल गई है, दैट इज 4, तो
वाई की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिल जाएगी, 11 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू, 11 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 7, तो 47 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 47, ओके, क्योंकि यूनिट्स डिजिट कितना है 11 माइनस 4 दैट इज 7 एंड टेंस डिजिट कितना है एक्स दैट इज इक्वल टू 4, तो 47 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओके। सो नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। एन एंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन अर्न्स एन इनकम ऑफ ₹1 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज बिजनेस, ऑन सब्सिक्वेंट डे ही अर्न्स एन इनकम विच इज़ जस्ट डबल, ठीक है। फर्स्ट डे पे ₹1 करता है, सेकेंड डे पे जस्ट डबल यानी ₹2 हो जाएगी, एंड ही अर्न्स एन इनकम विच इज़ जस्ट डबल ऑफ दैट मेड ऑन द प्रीवियस डे, ठीक है। हर सब्सिक्वेंट डे में उसको क्या है, इनकम डबल हो रही है, यानी 2 का 4, 4 का 8, इस तरह से जो है वो इनकम डबल हो रही है। तो आपको बताना है कि 10th डे पे जो है बिजनेसमैन की कितनी इनकम मिल जाए, तो आप इसको 10 टाइम्स डबल 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 कर लें वैल्यूज़ को, तो आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर जेनरिक फार्मूला बना सकते हैं, जैसे 2 रेस्ट पावर 0, 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूला बन रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है इन टोटल क्या बन रहा है, 2 रेस्ट पावर 1 दैट इज 2, 2 रेस्ट पावर 2 इज 4, 2 रेस्ट पावर 3 इज 8, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया है यहाँ पे हमारे पास, 2 रेस्ट पावर n माइनस 1, ठीक है। n माइनस 1 मीन्स 2n था, तो n माइनस 1 इज 1, 2n यहाँ पे क्या है 4 माइनस 1, ठीक है। इस तरह से जो है हमारे पास ये फॉर्मूला डराइव हो जाते हैं। तो अगर हम 10th डे की बात करें, 2 रेस्ट पावर 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 9 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है तो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने भी प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरह की पूछी जाती हैं। अ मंकी क्लाइम्स 30 फीट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आवर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, व्हेन ही स्लिप्स बैक 20 फीट बिफोर ही अगेन स्टार्ट्स क्लाइंबिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट आवर, ठीक है। सपोज एक ये बिल्डिंग मान लेते हैं हम, ठीक है। इनिशियली जब वो स्टार्ट करता है क्लाइंब करना तो वो कहाँ तक जाता है, 30 फीट तक जाता है। फिर वो थोड़ी देर रेस्ट करता है और वापस स्लिप बैक करके कहाँ पे आ जाता है, 20 फीट तक वापस आ जाता है, ठीक है। तो नेट जो उसने कवर किया इन टोटल 30 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 10 फीट वो हर बारी जो है क्लाइंब कर रहा है इन इन दिस केस, ठीक है। इफ़ ही बिगिनस हिज एक्सेंट एट 8 AM, 8 AM से उसने स्टार्ट किया, एट वॉट टाइम विल ही फर्स्ट टच फ्लैग एट 120 फीट। वो हर परी 10 फीट ऊपर जा रहा है, नेट 10 फीट ऊपर जा रहा है, तो 120 फीट तक वो कब पहुँचेगा, ठीक है। तो 120 फीट तक पहुँचने के लिए उसको क्या चाहिए, लास्ट के अगर हम 30 जो है उसको माइनस कर लें, क्योंकि वो हर बारी 30 फीट ऊपर जा रहा है ना, तो 120 में से 30 माइनस कर लें तो कितना हो जाएगा, 90। तो हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले 90 फीट वो कितने मिनट में जाता है। तो अगर वो हर एक आवर में, ठीक है, हर एक आवर में वो 10 फीट जो है नेट ऊपर क्लाइंब कर पा रहा है आफ्टर स्लिपिंग, तो 90 फीट कितने आवर्स में करेगा, तो 9 आवर्स में, ठीक है। 90 फीट ही विल क्लाइंब इन 9 आवर्स, ओके। तो 8 बजे से लेके 9 आवर्स कितने बजे तक हो जाते हैं, तो दीज विल बी इक्वल टू अप टिल 5 PM, ठीक है। 5 PM तक जो है 9 आवर्स हो जाएंगे, और जैसे ही 10th आवर में हो जाएगा, यानी 5 से 6 बजे के बीच वाले टाइम में जाएगा, तो वो जो है 120 फीट को टच कर लेगा, ठीक है। तो इसका जो टाइम है दैट विल बी इक्वल टू 6 PM विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस केस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, 2 बस टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 3 बस टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी कॉस्ट रुपीज़
77, ठीक है। लेट्स से ए टू बी जो है बस की टिकट की कॉस्ट है, लेट्स अज्यूम इट इज एक्स रुपीज, ठीक है। और ए टू सी की अगर हम बात करें तो लेट्स से इट इज वाई रुपीज, ओके। तो अब ये बात कर रहा है कि अगर दो बस टिकट वो ए टू बी और तीन बस टिकट वो ए टू सी लेता है, ठीक है, 2x+3y दैट इज इक्वल टू ₹77। बट थ्री बस टिकट्स फ्रॉम ए टू बी 3x+2 बस टिकट्स फ्रॉम ए टू सी 2y इज इक्वल टू कितना हो जाता है उस केस में, 73, ठीक है। तो व्हाट आर द फेयर्स ऑफ टू सिटीज बी एंड सी फ्रॉम ए। तो आपको एक्स और वाई की एक्चुअल में वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि बी और सी की जो फेयर्स हैं वो सिटीज से कितने कितने रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो आप इनको सॉल्व करके आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ऑप्शन है 13 एंड 17। ये आप आराम से खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज़ प्योर मैथमेटिक्स। सो मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इन अ गार्डन देर आर 10 रोज एंड 12 कॉलम्स ऑफ मैंगो ट्रीज। लेट्स से हमारे पास एक इस तरह का गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन हम मान लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, इस तरह से करके 10 रोज ऑफ ट्रीज़ लगे हुए हैं, ठीक है। लेट्स से 10 रोज ऑफ ट्रीज़ हैं और 12 कॉलम्स ऑफ ट्रीज़ हैं, ठीक है, 12 कॉलम्स ऑफ ट्रीज़ लगे हैं, इस तरह से 12 कॉलम्स हैं आपके पास, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज इज़ 2 मीटर्स, और ये जो दो ट्रीज़ के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, ये कितना है, 2 मीटर्स है, ठीक है। एंड अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज़ लेफ्ट फ्रॉम ऑल साइड्स, और इस लॉन के बाहर जो है, इस लॉन के एक्चुअल में अंदर ही, मैं लॉन थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, यहाँ पे 1 मीटर का डिस्टेंस छोड़ करके, लॉन के अंदर ही 1 मीटर का डिस्टेंस चारों तरफ से छोड़ करके जो है ये ट्रीज प्लांट किए गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द गार्डन, द लेंथ ऑफ द गार्डन इज, गार्डन की लेंथ बतानी है, ठीक है। लेंथ ये वाली हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 12 कॉलम्स है और यहाँ पे क्या थी, 10 रोज थी, तो लेंथ हमेशा बड़ी होती है देन विड्थ, तो 12 कॉलम्स वाली हमारी जो है यहाँ पे लेंथ बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों ट्रीज के बीच का डिस्टेंस भी आपको कितना दिया गया है, दैट इज 2 मीटर्स दिया गया है, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, इन टोटल जो है आपके पास कितने कॉलम्स यहाँ पे बनेंगे, इन टोटल जो आपके पास 12 कॉलम्स हैं, बट जो फर्स्ट है और जो लास्ट है इन दोनों के बीच में देर इज़ नो डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों का गैप जो है कम हो जाएगा, तो 11 × 2 हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 22, ओके। 22 तो मीटर्स हो गई हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द गार्डन विदाउट ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन छोड़े, तो 1 मीटर राइट में छोड़ा गया और 1 मीटर लेफ्ट में छोड़ा गया है, तो इट मीन्स +2 मीटर्स और हो जाएगा, तो इन टोटल जो लेंथ ऑफ द गार्डन है दैट विल बी इक्वल टू 24 मीटर्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। देयर आर डियर एंड पीकॉक्स इन अ जू, ठीक है, जू में डियर हैं और पीकॉक्स हैं, बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80, जब हमने इनके हेड्स काउंट किए तो टोटल कितना हुआ, 80, एंड द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200, और जब हमने इनके नंबर ऑफ लेग्स काउंट किए तो 200 हो गए, हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर, तो अब आपको बताना है कि कितने पिकॉक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से डियर इज इक्वल टू, डी फॉर डियर इज इक्वल टू एक्स, एंड जो पिकॉक्स हैं, लेट्स से पिकॉक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डियर की कितनी लेग्स होती हैं, वी नो 4 लेग्स हैं, पिकॉक की कितनी लेग्स होती हैं, तो वी हैव 2 लेग्स, ओके। अब ये कह रहा है कि बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80, तो हेड्स मतलब एक एक ही हेड होगा, तो एक्स प्लस वाई को जब हमने हेड्स को काउंट किया तो कितना हो गया, 80 हो गया है, एंड द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200, लेग्स जो हमारे डियर की कितनी है, 4x हो जाएगा, ठीक है,
और आपके जो पिकॉक के लेग्स हैं वो टू हैं, तो दैट इज़ 2y हो जाएगा, राइट? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू हाउ मच? 200। ओके, तो अगेन ये एक हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगे, दे आर कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 24x। आपको यहाँ पे पीकॉक का पूछा गया था, हाउ मैनी पीकॉक्स आर देयर, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास x जो है डियर की जो है वैल्यू 20 आ जाएगी, और जो आपकी पीकॉक्स की वैल्यू है वो 60 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पीकॉक्स पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। ये इक्वेशंस आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये मैं नहीं सॉल्व करके बताऊंगी। एंड इवन आपको प्रॉब्लम्स आती हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में, तो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई कैन हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28, अ सर्टन नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड एन इक्वल नंबर ऑफ मैन आर गोइंग समवेयर, ठीक है? यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ हॉर्सेज हैं और इक्वल नंबर ऑफ मैन हैं, वो कहीं जा रहे हैं। हाफ ऑफ द ओनर्स आर ऑन देयर हॉर्सेज, और आधे ओनर्स कितने हैं, क्या हैं, हॉर्सेज पे हैं, वाइल द रिमेनिंग वंस आर वॉकिंग अलॉन्ग लीडिंग देयर हॉर्सेज, ठीक है? इफ द नंबर ऑफ लेग्स वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज 70, हाउ मैनी हॉर्सेज आर देयर? ओके, तो यहाँ पे क्या बताया है कि इक्वल नंबर है मैन और हॉर्सेज का। ओके, तो हॉर्सेस का नंबर इज इक्वल टू मैन का नंबर, लेट से इट इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब नंबर ऑफ लेग्स जो है वो हॉर्सेस की 4 होती हैं, एंड द नंबर ऑफ लेग्स जो है वो मैन की 2 होती हैं, ठीक है? तो अब ये कह रहा है कि हॉर्सेस की हाफ ऑफ द ओनर्स आर ऑन देयर हॉर्सेस बैक, ठीक है? जो हॉर्स की बैक के हैं तो उनकी लेग्स तो काउंट नहीं होंगी, वेल द रिमेनिंग हाफ आर वॉकिंग अलॉन्ग लीडिंग देयर हॉर्सेस, ठीक है? तो हाफ ही मैन की लेग्स काउंट होंगी यहाँ पे, तो 4x ये होगी हमारे पास हॉर्सेस की लेग्स, प्लस मैन की 2 लेग्स होती हैं, बट कितने मैन हैं, तो x का हाफ नंबर है, x बाय 2 है, वो कितना है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो, तो दैट इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स जो हैं जो ज़मीन पे चल रही हैं, दैट इज इक्वल टू 5x, ठीक है? अब 5x जो है वो कितना गिवन है हमें, दैट इज इक्वल टू 70, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x विल बी इक्वल टू 70 बाई 5, दैट इज इक्वल टू 14 टोटल हॉर्सेस एज वेल एज 14 ही हमारे पास मैन है, क्योंकि इक्वल नंबर बताया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी हॉर्सेज आर देयर, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 14। इवन आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मैन पूछा गया होता तो भी आंसर 14 ही होता है, बिकॉज दे आर इक्वल इन नंबर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट, इन अ कारवा इन एडिशन टू 50 हैंस देर आर 45 गोट्स एंड 8 कैमल्स विद सम कीपर्स, ठीक है? यहाँ पे क्या है आपके पास, कारवा है जिसमें 50 हैंस हैं, 45 गोट्स हैं और 8 कैमल्स हैं और कुछ कीपर्स भी हैं। ओके, इफ द टोटल नंबर ऑफ फीट बी 224 मोर देन द नंबर ऑफ हेड्स इन द कारवा, द नंबर ऑफ कीपर्स इज, अब आपको बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ कीपर्स जो हैं वो कितने होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास, हैंस है, हैंस की लेग्स कितनी होंगी, 2। गोट्स एंड कैमल्स हैं, इनकी लेग्स कितनी होंगी, 4 एंड 4, और कीपर जो हैं उनकी लेग्स भी क्या होंगी, 2 होंगी, ठीक है? तो लेट्स सपोज द नंबर ऑफ कीपर्स पूछा है, लेट्स सपोज द नंबर ऑफ कीपर्स भी x, ठीक है? तो x नंबर ऑफ कीपर्स हैं। अब इन्होंने कंडीशन क्या दी, इफ द टोटल नंबर ऑफ फीट भी 224 मोर देन द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, 2x नंबर ऑफ हेड्स पहले काउंट कर लेते हैं हम। नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं इनके, 50 प्लस 45 प्लस 8 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है? तो जब हम ये सारी वैल्यूज प्लस करेंगे तो दैट विल बी 103 प्लस एक्स आ जाएंगे, प्लस एक्स, सॉरी इट इज़ नॉट 3, ठीक है? 50 प्लस 45 प्लस 8 इज इक्वल टू 103, और प्लस एक्स किसके लिए लिया, तो फॉर कीपर्स हेड्स, कितने कीपर्स हैं, ठीक है? ये उसके बाद हमारे पास जो हैं दूसरी तरफ क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ फीट आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फीट जब हम इनके कैलकुलेट करेंगे तो दे आर कमिंग आउट टू बी इक्वल टू, हैंस के 2 फीट्स हैं, गोट्स के 45, कैमल्स के
फोर, गोट्स के भी फोर एंड कैमल्स के भी फोर और कीपर्स के टू, तो 2x हमने लिख लिया कीपर्स के लिए प्लस बाकी सबको जब हमने सम किया तो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 312, इट इज़ 12 नॉट 72, इट इज़ 312। ये हो गया लेग्स का नंबर और ये हो गया फीट का नंबर। अब इसने बोला इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फीट इज़ 224 मोर देन द नंबर ऑफ हेड्स, तो ये हेड्स में हम क्या ऐड कर देंगे 224। तो यहाँ से हमें जो है हमारे कीपर्स का नंबर दैट इज़ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 15 इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। आई होप आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे दैट इज हेयर अ प्लेयर होल्ड्स 13 कार्ड्स ऑफ 4 सूट्स, ठीक है, एक प्लेयर के पास 13 कार्ड्स हैं और उसमें कितने सूट्स हैं, 4 सूट्स हैं, ऑफ विच 7 आर ब्लैक एंड 6 आर रेड, 7 ब्लैक है और 6 रेड है, ठीक है, 4 सूट्स हैं उसके पास इन टोटल, 7 ब्लैक एंड 6 रेड, ओके। अब आपने अगर कार्ड्स खेले होंगे तो आपको पता है कि ब्लैक कलर के दो टाइप के कार्ड्स होते हैं, राइट, ब्लैक कलर के दो टाइप्स के कार्ड कौन से होते हैं, एक होते हैं क्लब्स एंड दूसरे होते हैं स्पेड्स, और रेड कलर के कौन कौन से कार्ड होते हैं, तो वन इज हार्ट्स एंड सेकेंड इज डायमंड्स, राइट। अब क्या कह रहा है, देयर आर ट्वाइस एज मैनी डायमंड्स एज स्पेड्स, ठीक है, डायमंड्स कितने हैं, ट्वाइस एज दैट ऑफ स्पेड्स, तो लेट्स से स्पेड्स आर एक्स, तो डायमंड्स कितने हो जाएंगे, ट्वाइस एक्स, राइट। देयर आर ट्वाइस एज मैनी डायमंड्स एज स्पेड्स एंड ट्वाइस एज मैनी हार्ट्स एज डायमंड्स, ठीक है, हार्ट्स कितने हैं, वो डायमंड्स का भी ट्वाइस है, तो दैट इज 4x हो जाएगा। तो क्लब्स कितने हो जाएंगे, तो 7 इन टोटल थे, x अगर स्पेड हैं तो 7 माइनस x क्लब हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास सारे जो है कार्ड्स का नंबर आ गया, हाउ मैनी क्लब्स डज ही होल्ड, तो उसको बताना है कि क्लब्स का नंबर कितना है, 7 माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले एक्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये जब सारे सम होगा, 7 माइनस एक्स, एक्स, 4x और 2x का जब सम होगा तो वो किसके बराबर होगा, टोटल 13 कार्ड्स हैं उसके पास, तो सम जब हम करेंगे तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 7 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 13। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, x और x चला गया, 4 प्लस 2 इज 6x इज इक्वल टू 13, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 13, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो क्लब्स के कितने कार्ड्स हो जाएंगे, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो हैंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा लेक्चर, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। यहाँ पे मैंने मेजॉरिटी टाइप्स के क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे इन फ्यूचर, तो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डील किए हैं। अब जो है हमारा एक और फाइनल जो है इस पे लेक्चर आना बाकी है, जिसमें हम कवर करेंगे बाकी और तरह की प्रॉब्लम्स। यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हम कर चुके हैं, प्रॉब्लम ऑन बेसिक जनरल कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब जो प्रॉब्लम्स बचती हैं इस टॉपिक के अंडर, दैट इज़ वेन डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये मैं आपको नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि वेन डायग्राम पे ऑलरेडी हमारा जो है कंप्लीट वीडियो लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। फिर भी मैं एक दो एग्जांपल ज़रूर इसकी इंक्लूड करूँगी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम डाटा एज वेल एज सम मिसिंग नंबर प्रॉब्लम, जिससे कि हमारा जो है टोटल कंप्लीट प्रॉब्लम बेस्ड जो है रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।